हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी सब साइंस के लिए। इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आने वाले 7 डेज में क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। साइन वाइज देखेंगे इस तरह से, जैसे एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन। इसमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगी, सारे यू नो इंडिविजुअल साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे, बट इस तरह से ग्रुपिंग के हिसाब से बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जस्ट बी माइंडफुल के जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उससे नेक्स्ट 7 डेज के लिए इसको मान सकते हो। स्टार्ट करेंगे वाटर साइंस से पहले। सो लेट्स सी कि वाटर साइंस आपके लिए आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है। लेट्स फाइंड आउट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 7 डेज में वाटर साइंस। लेट्स सी क्या होने वाला है वाटर साइंस के लिए नेक्स्ट 7 डेज में। वाओ, नेक्स्ट 7 डेज में वाटर साइंस क्या होने वाला है आपके लिए। ओके, देयर यू गो। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है वाटर साइंस की लाइफ में। लेट्स बिगिन। पहला कार्ड जो हम देख सकते हैं वो है प्रपोजल कमिटमेंट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए प्रपोजल या कमिटमेंट आने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है, कोई पास पर्सन हो सकता है, बट डेफिनेटली एक कमिटमेंट या एक ऑफर आ रही है जो कि शादी या कमिटमेंट की तरफ लीड करेगी। मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप या तो किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको ऑफर करेगा लव, क्योंकि वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड टू। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट डेफिनेटली आ रही है, चाहे वो प्रपोजल है, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो एक नया पर्सन है, करंट पर्सन है। एक इमोशनल फुलफिलिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपकी जिंदगी में आने वाला है जो कि शायद आप में से मेजॉरिटी लोग राइट नाउ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में तो बहुत जबरदस्त चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में। बॉन्डिंग का कार्ड है। एज यू गेट टू नो ईच अदर यू डिस्कवर मेनी थिंग्स इन कॉमन। ये नया पर्सन भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, लेकिन जब आप इससे बात करोगे, जब आप इससे यू नो इंटरेक्ट करोगे, तो आपको लगेगा कि आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है। सो वी डू हैव सॉलिट्यूड कार्ड। थिंक ऑफ बींग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोग राइट नाउ जो अगर यू नो सिंगल हो, अकेलापन फील करते हो और आपको लगता है कि यू नो आपकी जो डिज़ायर है वो तो इम्पॉसिबल है, या यू नो वो कभी ट्रू नहीं हो सकती है, फुलफिल नहीं हो सकती है, तो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपकी यू नो आपको इस लोनलीनेस को या इस टाइम अपार्ट को या टाइम अलोन को आपको ऐसे यूज़ करना है कि एज इफ यू आर वन विद ऑल एंड एवरीथिंग जो कि आपको चाहिए, जो आप डिज़ायर कर रहे हो। जब आप इस तरह से चीज़ों को लेकर चलोगे तो आपको आपकी करंट सिचुएशन आसान हो जाएगी और आप अलाइनमेंट फील कर पाओगे ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आप डिज़ायर कर रहे हो उन सब चीज़ों से। सो या ये रीडिंग आप लोगों की फॉर द वाटर साइंस पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। सो अगर रीडिंग हेल्प की हो, गाइड की हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप विच इज गोइंग टू बी फायर साइन। सो फायर साइंस, लेट्स सी कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है फायर साइंस। एवीज, लियो, सेजिटेरियस, लेट्स सी कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, लास्ट फ्यू कार्ड्स नेक्स्ट 7 डेज में, देयर यू गो। ओके, नेक्स्ट
सेवन डेज में क्या होने वाला है फायर साइंस की लाइफ में, लेट्स फाइंड आउट. स्टार्ट करते हैं टैरो से पहले. सो वी डू हैव पेज ऑफ कप्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली आपकी शिफ्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली आने वाली हैं, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लव लाइफ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर भी चीज़ें बदलने वाली हैं. आप ऐसे काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस पे अपने होप जो है या अपनी जो डिज़ायर है डिज़ायर को लेकर वो आप खो रहे हो. लेकिन आने वाले सेवन डेज में कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी मूवमेंट फॉरवर्ड होगी आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपकी जो होप है वो वापस आ सकेगी. आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, वर्क लाइफ से रिलेटेड, होम लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंशियली, या अगर मैं वर्क लाइफ के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आप स्टेबिलिटी फील कर सकोगे. अब वो लोग जो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को यू नो एज योर ओन स्टेबिलिटी लेते हो, तो इट कैन बी कि इमोशनली आपको कुछ ऐसा मिले जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल फील करो. लेकिन आप इसे मेजॉरिटी लोगों के लिए ये वर्क लाइफ सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग लगेगी और आपकी ज़िंदगी में आपको एक होप दिखेगी कि हाँ अब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. क्योंकि एक चीज़ जब आपकी ज़िंदगी में अच्छी होती है तो आप कहीं ना कहीं उससे आपको लगता है कि हाँ आगे भी अच्छा होने वाला है कुछ, तो वो एक एक नया लूप जो है वो आपकी ज़िंदगी का शुरू होगा जो कि पॉजिटिव वे में आपकी ज़िंदगी में आगे चीज़ें बढ़ेंगी. लेट्स सी कि और क्या कार्ड्स हैं हमारे पास आने वाले सात दिनों के लिए फायर साइंस के लिए. वी डू हैव फियर्स एंड अफ्रेड. आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि राइट नाउ बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रहे हो. अगेन आपकी जो होप है डिज़ायर है उसको शायद आप सोचकर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो रही है और कहीं ना कहीं आपके लिए बिलीवेबिलिटी जो है वो चीज़ों की वो भी कम हो रही है जिसकी वजह से आप ज़्यादा फियरफुल हो या ज़्यादा अपसेट हो. बट मुझे लगता है कि आने वाले जो सेवन डेज हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलेगा पॉजिटिव वे में और आपके लिए फिर बिलीव करना, पॉजिटिव रह पाना आसान हो जाएगा. स्पेशली वो लोग जो आप अपनी किसी भी चीज़ को लेकर उम्मीद खो रहे हो ना, उसमें आपकी उम्मीद दोबारा जो है वो इंस्टिल हो जाएगी. वी डू हैव थर्ड पार्टी, यू मे बी डीलिंग विद अ कार्मिक सिचुएशन. आप में से कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हो और आने वाले सात दिनों में हो सकता है कि अगर आपको डर था कि आप अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए के हाथों खो दोगे, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको एक फिर से एक नया जो होप है वो दिखेगा. आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपको लग रहा था कि हमेशा आपकी लव लाइफ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस होती रहती है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में चला जाए और चली जाए आने वाले सात दिनों में और कोई पॉजिटिव सिचुएशन या सिनेरियो डेवलप होते दिख रहा है आपके लिए. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर वर्क लाइफ भी थर्ड पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंस होती रही है आपकी, जहाँ पर लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है आपको नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी बदल रही हैं आने वाले सात दिनों में. लेट्स सी. कम टुगेदर. फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन. अच्छा, आपको राइट नाउ क्या चाहिए, जो आपकी करंट सिचुएशन है जिसके लिए भी आप वॉरिड हो, परेशान हो, उसमें एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को लेकर चलो. जब आप उनके साथ मिलकर काम करोगे मेडिटेशन से, प्रेयर्स से, एफर्मेशन से, तो आपके लिए रिजल्ट जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकेगा. सो कोशिश करो कि यू वर्क एज अ टीम और फिर आपके गोल्स बहुत जल्दी पूरे होंगे. टूल्स एंड टेक्निक्स भी यूज़ करो, उससे भी आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी हो पाएगी. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर फायर साइंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप व्हिच इज गोइंग टू बी अर्थ साइंस. सो लेट्स सी अर्थ साइंस कैसा रहेगा आने वाला सात दिन का टाइम आपके लिए. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी अर्थ साइंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट सेवन डेज में अपनी जिंदगी में. लेट्स फाइंड आउट. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट सेवन डेज के लिए. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट सेवन डेज में. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. लेट्स फाइंड आउट. ओके, लेट्स पुल आउट मोर कार्ड्स फर्स्ट. क्या होने वाला है नेक्स्ट सेवन डेज में आपकी जिंदगी में. लेट्स सी. Pull out more cards. One second. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट सेवन डेज के लिए. अर्थ साइंस. लेट्स टेक दोस थ्री कार्ड्स. ओके, लास्ट फ्यू कार्ड्स. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट सेवन डेज के लिए. लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं टैरो से. फर्स्ट देखते हैं कि टैरो क्या ऐड करता है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आप में से मेजॉरिटी लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड और पॉजिटिव फील करने वाले हो आने वाले एक हफ्ते के अंदर.
मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा था ना कि बहुत ज्यादा उलझने हो रही हैं, तो चाहे वो लव से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा यू नो आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पाथ इजी है, कौन सी चॉइस आपके लिए सही रहेगी, मुझे लगता है कि वो सारी क्लैरिटी, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टेबल फील करोगे, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप जो भी काम करते हो या जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आपको उसको लेकर खुद के अंदर एक पीस फील होगा आने वाले 7 दिनों के अंदर। अगर हम करियर की बात करें तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में करियर वाइज एक अपग्रेडेशन आप अपनी लाइफ में आते हुए देख सकते हो, एक प्रमोशन आते हुए आप देख सकते हो। लेट्स सी मौका है हॉलीडे, एंजॉय चेंज ऑफ सीनरी टू स्पाइस अप योर लव लाइफ। आप ऐसे कुछ लोग राइट नाउ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आप अपना अपने स्पेसिफिक समवन के साथ कोई टाइम जो है वो हॉलीडे टाइम जो है वो चूज करो स्पेंड करना। अगर आप सिंगल हो तो चांसेस हैं कि कोई हॉलीडे टाइम पे आया हो आपकी सिटी, आपकी कंट्री, आपकी यू नो स्टेट में, और वहां पे आपकी किसी से मुलाकात हो जिससे आपकी लव लाइफ में थोड़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके स्पेसिफिक समवन अगर आपसे दूर जा चुके हैं या दूर हैं तो वो वापस आए आपकी कंट्री, आपकी सिटी, और आप दोनों के साथ यू नो आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो, उसके चांसेस भी काफी स्ट्रांग है, जो कि अगेन फर्दर आपको बोल्ड और ब्यूटीफुल फील कराएगा। नेक्स्ट कार्ड है ट्विन फ्लेम यूनियन, हार्ट बॉडी माइंड एंड सोल। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन होने का काफी चांस है। फिजिकल कनेक्शन, द सेक्रेट यूनियन ऑफ बॉडीज टू बिकमिंग वन। आपका फिजिकल रीयूनियन होने वाला है किसी के साथ। आपका हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, जिसमें आप लोग कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हो। अगर आप सेपरेशन में हो तो चांसेस है कि आपका यूनियन हो जाए आपके पर्सन के साथ। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस इज लाइक कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, लेकिन कोई नया कनेक्शन भी बन सकता है, जो कि अगेन अगर कोई नया कनेक्शन बनेगा तो उसमें फिजिकल इंटीमेसी काफी स्ट्रांग होगी। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप क्या गिव इन करते हो इस रिलेशनशिप में। हुकअप, वन नाइट स्टैंड, काफी ज्यादा हॉट एंड फायरी एनर्जी लग रही है मुझे आपकी जिंदगी में आते हुए आने वाले 7 दिनों में। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है काफी स्पाइस्ड अप होने वाली है अर्थ साइंस के लिए। आने वाला 1 हफ्ता काफी ज्यादा स्ट्रांगली सेक्शुअल मुझे लग रहा है कि रहेगा आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स सी द लास्ट कार्ड विच इज लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। एक चीज मैं यहाँ पे मैंशन करूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, कुछ हासिल करना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि फाइनली वो टाइम आ गया है जहां पर आप कुछ डार्कनेस में से कुछ लाइट निकाल सकोगे, कुछ ऐसे यू नो आपकी जिंदगी में हो सकेगा जो कि आपको लगेगा कि फाइनली आपका जो एफर्ट आप करते आए हो उसमें इतना एफर्ट करने के बाद फाइनली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है वो दिखना शुरू हो गए हैं। सो चाहे वो लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा था कि शायद कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन समहाउ जो जो यू नो अचानक से एक आपकी जिंदगी में एक शिफ्ट आ रहा है उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और कोशिश करो कि करंट सिचुएशन जो भी है आपकी राइट नाउ, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो या सेपरेशन में हो, अपने आप को लाइट हार्टेड रखो। जितना ज्यादा लाइट हार्टेड रखोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में जो है वो चीजें अच्छी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की फॉर द अर्थ साइंस। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ग्रुप विच इज गोइंग टू बी एयर साइंस। सो लेट्स फाइंड आउट एयर साइंस क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। So let's find out. Air signs, Aquarius, Gemini और Libra, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 1 हफ्ते में। Let's find out क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 1 हफ्ते में। Let's see Air signs क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 1 हफ्ते में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 1 हफ्ते में। Gemini, Libra, Aquarius. Let's find out. Okay, let's pull out some more cards pehle. Aquarius, Libra or Gemini. Kya hone wala hai aapki life mein? Aane wale ek hafte ke time mein. Next 7 days mein kya hone wala hai aapki life mein? Okay, let's begin. Okay, तो पहला कार्ड है जो हम टैरो से देखेंगे वो है हाई प्रीस्टेस का। मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन
बहुत कुछ कहने वाला है। अपने आप को ओपन अप रखो, जर्नलिंग करो अगर आप कर सकते हो आने वाले 7 दिनों के लिए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। मेडिटेशन करने के बाद जर्नलिंग करना आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लिख सकोगे जो कि शायद डिवाइन आपको मैसेज देना चाहती है, जिनके बारे में ड्रीम्स और साइंस को लेकर ओपन अप रहो, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपको कोई डाउट या फियर है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि वो फियर, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आप में से कुछ लोग अगर कामिक रिलेशनशिप में हो, तो कामिक रिलेशनशिप आपके सामने खुलकर आएगा। अगर आपका पर्सन आपसे हाइड अवे कर रहा था, शाय अवे कर रहा था, बात नहीं करना चाह रहा था थर्ड पार्टी के बारे में, तो वो भी कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक सेफ्टी और कंफर्ट फील होगा अगर आप अपने आप को ओपन अप करोगे डिवाइन इन्फॉर्मेशन को लेकर। अगर आप अपने इंट्यूटिव यू नो जो साइकिक पावर्स हैं आपकी, उसको अगर आप यूज़ करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा फील करोगे कि आप सेफ हो, आप कंफर्टेड हो बाय द डिवाइन, बाय एंजल गाइड्स। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप अपने इंट्यूशन को नहीं लिसन करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हर कोई आपको फूल बना रहा है, हर कोई आपको यूज़ कर रहा है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो राइट नाउ या नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोशिश करो कि आप अपने आप को लोगों के इन्फ्लुएंस से बचा कर रखो, चाहे अगर आप सिंगल भी हो तब भी, वर्क लाइफ में हो तब भी। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस तभी करेगा अगर आप खुद को लेकर या अपने इंट्यूटिव जो साइड है उसको इग्नोर करोगे। आपका गट आपको गाइड कर रहा है, लिसन टू दैट। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद आपके लिए सही नहीं है, आपको उनसे अपने आप को दूर रखना है। वो कामिक आपको किसी साइकिल में डाल सकते हैं जिससे आपको अपने आप को बचाना है। सो मेक श्योर करो कि आप ऐसे लोगों को आराम से पिक कर सको। स्पेशली अगर आप लव वे में देखना चाहो इस सिचुएशन को, तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी किसी और के साथ है और आपको भी वो साइन दे रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली वहीं पे कट ऑफ कर दो। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, तो आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन से निकाल कर एक बुरी शिटी सिचुएशन में डाल दोगे। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। लास्ट कार्ड देखते हैं, शाइन फ्रॉम विदेन। लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विदेन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस, फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो या पॉजिटिव नहीं फील करते हो। आपको लगता है कि शायद आप गुड लुकिंग नहीं हो या आप ब्यूटीफुल नहीं हो। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं रियलाइज करोगे, खुद अपने आप को ओन नहीं करोगे द वे यू आर, तो लोग भी शायद आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे या आपको और यू नो आपको ओन नहीं करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को ओन नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आओ अपने आप को लेकर, और कोशिश करो कि अपनी ट्रू ब्यूटी, अपने ट्रू एसेंस को पहचानो। और लोगों के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर इतना रहता है कि आपका दिल कभी कभी करता है कि आप लोगों की तरह हो जाओ। यू डोंट हैव टू डू दैट। सो ये चेंज अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक नेगेटिव चेंज रहेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की एयर साइंस की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। अगर ऐसी रीडिंग्स चाहते हो कि और हो, तो मेक श्योर करो कि यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और रीडिंग्स ऐसे बना सकूं। सो या टेक केयर, बाय।